वेलकम टू एशाज यंग आईएएस। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, फील्ड विजिट। तो ये चैप्टर में एक्चुअली ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ये फील्ड विजिट एक डायलॉग फॉर्म में दी गई है, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो फील्ड विजिट बेसिकली एक जगह पर जहाँ आप ज्योग्राफिकल स्टडी करने के लिए विजिट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से फील्ड विजिट स्टडी की गई है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को टीचर फील्ड विजिट पे लेकर जा रही है और उनको किन चीजों पे एम्फेसाइज करने को, ध्यान देने को कहा गया है, वो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है। रिलीफ, सॉइल, वेजिटेशन एंड ह्यूमन सेटलमेंट। रिलीफ का मतलब होता है ज्योग्राफिकल रिलीफ, के पहाड़ है, के प्लेन है, के बीच है, मतलब लैंड फीचर कैसा है, तो उसको रिलीफ कहते हैं ज्योग्राफी में। सॉइल मतलब मिट्टी कैसी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, कैसी सॉइल है। वेजिटेशन, वहाँ पे वेजिटेशन क्या है, ट्रीज, प्लांटेशन क्या है। और ह्यूमन सेटलमेंट कैसा है, डेंस सेटलमेंट है कि स्पार्स सेटलमेंट है, फैला हुआ है। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे स्टडी किए जा रहे हैं। तो अलग अलग जगह ऑन द वे जहाँ वो विजिट करते हैं, यहाँ पे नालदुर्ग से लेके अलीबाग तक विजिट है, तो फील्ड विजिट है, तो उसमें उनको क्या क्या एक्सपीरियंस होता है ऑन द वे वो डिटेल्ड आउट है। क्या आइटम्स लेके जाओगे आप फील्ड विजिट के लिए, यहाँ पे बॉक्स में दिया गया, आप देख सकते हैं जैसे। तो ये एक्चुअली टेक्स्ट बुक के पीछे एक सवाल भी है, तो उस हिसाब से ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेक्स्ट बुक के पीछे आप देखोगे तो सवाल है, हम देखते हैं अभी। ये देखिए टेक्स्ट बुक के पीछे सिर्फ 5 ही सवाल है, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में। हालांकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ चुके तो हम उस पॉइंट पे भी ध्यान देंगे। फर्स्ट ईयर जो एग्जाम था 2019, मार्च 2019, वो बोर्ड एग्जाम में ही यहाँ के से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ चुका है, तो वो हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट मैं अभी हाईलाइट करना चाह रही हूँ वो ये है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आइटम्स विल यू टेक विथ यू फॉर फील्ड विजिट। तो इसका आंसर हमको ऊपर मिलेगा जो हमने डायग्राम देखा उसके अंदर। तो डायग्राम में वही बताया गया है कि वो क्या क्या होगी। तो आप ये डायग्राम से क्या देख सकते हैं कि क्या क्या हमें ले जाना है। तो पहले यहाँ पे देखिए बैकपैक दी गई है, वाटर बॉटल दी गई है, बाइनोक्यूलर्स है, कैमरा है, नोटबुक, पेन, पेंसिल, फर्स्ट एड बॉक्स, कैप अगर धूप है तो, कंपस और मैप। तो ये यहाँ पे डायग्राम में इसका आंसर दिया गया है। तो आपको उस क्वेश्चन के आंसर के लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होगी, आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपके सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स इजीली कवर हो जाएंगे और ये पूरा कोर्स 6 मंथ्स में कंप्लीट होगा। हमारे जो इस दो पैटर्न्स में कोर्सेज बनाए गए, एक है स्टिमुलस कोर्स और एक है बूस्टर कोर्स। तो आपको अगर सिर्फ एक्सप्लेनेशंस की जरूरत है तो हमारे स्टिमुलस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में हेल्प की जरूरत है तो हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आप साइंस कर सकते हैं जिसमें साइंस 1 साइंस 2 दोनों कवर होगा। सेकेंड कोर्स है बूस्टर कोर्स जिसमें आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुनना, सिर्फ डाउट क्लियरेंस करना या टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर आपको हम वीडियो पे बता दें उससे आपकी तैयारी पूरी नहीं होती, आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे देखिए टीचर और स्टूडेंट्स की कन्वर्सेशन दी गई है। तो टीचर जो कह रही है बच्चों को कि आप अपने नोटबुक में ऑब्जर्वेशंस लिखो फील्ड विजिट पे, तो वो किन चीजों पे हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पे 6 चीजें दी गई है, तो ये है 7 चीजें एक्चुअली। रिलीफ, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, रिलीफ मतलब ज्योग्राफिकल रिलीफ, के पहाड़ है, के प्लेन्स है, तो रिलीफ। वाटर बॉडीज क्या क्या है जो रास्ते में आएगी, वाटर बॉडीज है, रिवर है, जो भी है। और वेजिटेशन कैसा है, सॉइल कैसा है, एग्रीकल्चर वहाँ पे कैसा है, तो वेजिटेशन, सॉइल, एग्रीकल्चर सिमिलर एक ही कैटेगरी में आएंगे। और ह्यूमन सेटलमेंट कैसा है, सेटलमेंट पैटर्न कैसा है, तो इन पे ध्यान देने को टीचर ने कहा है। तो पहले तो टोपोग्राफी के बारे में मेंशन किया गया, अंड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। तो अंड्यूलेटिंग टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है हम देखेंगे। इसका मतलब होता है, अंड्यूलेटिंग का मतलब होता है जैसे हम पहाड़, जब हमारे सीनरी ड्राइंग्स में भी हम पहाड़ बनाते हैं, तो अगर पॉइंटेड पहाड़ ना बनाए, एकदम स्मूथ शेप में पहाड़ ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, ऐसे स्मूथ कर्व्स में हम बनाए अगर, तो उसको अंड्यूलेटिंग टोपोग्राफी कहते हैं। तो वैसे स्मूथ कर्व्स से वो टोपोग्राफी मतलब ज्योग्राफिकल लेआउट, लैंड फीचर। तो वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे अंड्यूलेटिंग टोपोग्राफी प्लेन्स है, तो प्लेन रीजन है। तो यहाँ पे ये लोग जो शुरू कर रहे हैं यहाँ पे अपना सफर नलदुर्ग से और सोलापुर की तरफ जा रहे हैं, या मैप में भी दिया गया है, ये देखिए नलदुर्ग से सोलापुर, तो ये प्लेन्स रीजन में है, तो अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है। फिर नीचे यहाँ पे देखो वो बालाघाट रेंज की तरफ जा रहे हैं, तो बालाघाट रेंज यहाँ पे सह्याद्रीज में ही आएगा, यहाँ पे यहाँ आगे वो पहुंच रहे।
फिर आया यहाँ पे हाउस फीचर्स कैसे ऑन द वे। तो ये हाउस फीचर्स वहां क्या गया कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में हाउसेज है अलोंग द रोड, तो इसको जो हाउस सेटलमेंट है इसको लीनियर सेटलमेंट कहते हैं। सेटलमेंट इज लीनियर सेटलमेंट, मतलब लाइन से सेटल्ड है हाउसेस। और हाउसेस कैसे, मड एंड वुड हाउसेस है। फिर नीचे है रिगार्डिंग वेजिटेशन, तो इस रीजन में इनिशियल जो उनका जर्नी जब शुरू हुआ तो वहां पे वेजिटेशन कैसे था, श्रब क्रॉप्स। तो नलदुर्ग से सोलापुर वो पहुंचे, तो यहाँ पे श्रब क्रॉप्स है, पल्सेस का कल्टीवेशन है यहाँ पे। और फिर आगे जब वो आगे आते हैं नलदुर्ग से आगे, तो पल्सेस की जगह शुगर केन कल्टीवेशन दिख रहा है तो सोलापुर की तरफ। तो ये क्यों हुआ वहां पे, कहा गया टीचर ने कहा कि यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो अब शुगर केन कल्टीवेशन दिख रहा है हमको। फिर यहाँ पे उनके रास्ते में भीमा रिवर आई, उजनी डैम आई, वो उन्होंने देखा। डेक्कन प्लेटो की तरफ वो पहुंचे, तो प्लेन्स जो यहाँ पे वो थे, तो दैट इज पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो के अंदर महाराष्ट्र प्लेटो भी आता है, तो महाराष्ट्र प्लेटो भी मेनली डेक्कन प्लेटो है। यहाँ पे जो है वेजिटेशन भी अब चेंज हुआ, यहाँ पे वेजिटेशन जुजुबे बोर बबूल ट्रीज है। तो ये वेजिटेशन क्या कहा जा रहा है, ये सेमी एरिड थॉर्नी टाइप ऑफ वेजिटेशन है। तो जो बबूल का पेड़ बोर का पेड़ होता है, तो वो सेमी एरिड, एरिड मतलब जो डेजर्ट एरिया का जो वेजिटेशन होता है, तो सेमी एरिड, एकदम एरिड नहीं, सेमी एरिड और थॉर्नी टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो यहाँ पे उनको ये सोलापुर से आगे यहाँ आते हुए उनको दिखा वेजिटेशन। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है, तो जो हमने कहा कि क्वेश्चन पहले पूछ चुके 2019 के पेपर में, 2020 का ज्योग्राफी का पेपर ही नहीं हुआ था क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ तो उसमें वो पेपर कैंसिल हो गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो 2019 में पूछा था ट्रू और फॉल्स में। तो ये है यहाँ पे, वेजिटेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ डिफरेंस इन प्रेसिपिटेशन। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी दिया हुआ है वही स्टेटमेंट कि वेजिटेशन जैसे चेंज होता है, मतलब अगर वेजिटेशन डेंस नहीं है, स्पार्स वेजिटेशन है, मतलब कि रेनफॉल कम है। अगर ज्यादा घना वेजिटेशन है, ज्यादा भरे हुए ट्रीज वगैरह है, मतलब कि रेनफॉल ज्यादा है उस एरिया में। तो वो ये चेंज इन टाइप ऑफ वेजिटेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ चेंज इन अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन दैट एरिया। तो वही ये स्टेटमेंट, प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल, तो वन फॉर्म मेजर फॉर्म इज रेनफॉल, आइस स्नो जो भी होता है तो उसको हेल स्टॉर्म स्नो स्टॉर्म, तो वो सारा प्रेसिपिटेशन में ही आता है। तो वेजिटेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ डिफरेंस इन प्रेसिपिटेशन, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ट्रू और फॉल्स में ये ट्रू आएगा। फिर वो स्नीगर फोर्ट की तरफ पहुंचते हैं, सिंगर फोर्ट विजिट करते हैं वो लोग। यहाँ पे वो कहते हैं रग्ड टोपोग्राफी है, तो जो हिली रीजन आ जाता है तो अभी अंड्यूलेटिंग नहीं है, स्मूथ नहीं है, अब रग्ड है, मतलब के आड़ा टेढ़ा ऐसे हिल्स वगैरह है यहाँ पे, हिल्स तो रग्ड टोपोग्राफी में आए वो लोग। और ये जो डेक्कन प्लेटो है वो कौन से रॉक से बना है, ये इम्पोर्टेंट है, बसॉल्ट। सो डेक्कन प्लेटो इज मेड ऑफ बसॉल्ट रॉक विच इज एन इग्नियस टाइप ऑफ रॉक्स। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो बसॉल्ट जो है, प्लेटो जो है वो जनरली इग्नियस रॉक से बने होते हैं। ये डेक्कन प्लेटो भी एक वॉल्केनिक प्लेटो है, वॉल्केनिक इरप्शन से पूरा प्लेटो बना है, तो ये बसॉल्ट रॉक से बना है। तो वही वहां पे अब देखते हैं वो लोग, तो आगे डेक्कन प्लेटो रीजन में अब पैडी फील्ड है, मतलब राइस वेजिटेशन है। तो पहले पल्सिस देखा उन्होंने आगे रास्ते में, फिर शुगर केन कल्टीवेशन आया, और अब पैडी फील्ड है। तो कैसे वेजिटेशन चेंज हो रहा है वो भी दिखाया जा रहा है। और नलदुर्ग फोर्ट जहाँ से उन्होंने शुरू किया वो लैंड में फोर्ट है, अब जो वो फोर्ट सिंहगढ़ फोर्ट जा रहे हैं वो हिल के ऊपर फोर्ट है। तो अलग अलग टाइप के फोर्ट भी वो देख रहे हैं, देवता के यहाँ पे है फोर्ट पे। तो ये सेक्रेट टैंक बोले जाते हैं, मतलब कि यहाँ पानी होता है जो हमेशा नेचुरल स्प्रिंग से वाटर आता है इसमें, और वो इसी में रहता है, तो इसको देवता के बोलते हैं, ऐसे ही है। फिर वो वेस्टर्न घाट्स की स्लोप्स जो है उनको सह्याद्री, सह्याद्री मतलब स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स जो है उसकी स्लोप भी कैसी है वो यहाँ डिटेल आउट किया गया है, वो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो यही वेस्टर्न घाट्स है। अब वेस्टर्न घाट्स जो है वेस्ट कोस्ट पे है, तो यहाँ पे अरेबियन सी आता है, और जो वेस्टर्न घाट्स का स्लोप है तो वो ईस्ट की तरफ जो है अंदर की तरफ जेंटल स्लोप है, और वेस्ट की तरफ स्टीप स्टीप स्लोप है, मतलब बहुत ऊंचा ऐसा स्लोप है, क्लिफ्स है वहां पे, क्योंकि अरेबियन सी जो स्ट्राइक करता है तो वहां पे वाटर फॉल्स आते हैं, क्लिफ्स आते हैं। तो ये वेस्ट साइड पे क्लिफ्स और वाटरफॉल्स ज्यादा है, और ईस्ट साइड पे स्लोप जो है वो जेंटल है, स्टीप स्लोप में क्लिफ्स और वाटरफॉल्स होते हैं। और यहाँ पे जो है काफी सारे रिवर्स भी ओरिजिनेट होते हैं,
बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो एक मेजर रिवर का नाम जो लिखा है वो ये है उल्हास रिवर। दीज आर बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, मतलब वो वहां पे छोटी सी रिवर है, वहीं पे सह्याद्री में ओरिजिनेट होगी, वेस्टर्न घाट्स में वेस्ट कोस्ट के प्लेन से फ्लो होके अरेबियन सी में ड्रेन हो जाएगी, तो ये उल्हास रिवर है, उसके बारे में लिखा गया है। फिर यहाँ पे और भी लिखे घाट्स जो है, वेस्टर्न घाट्स में जो घाट्स है, भोर घाट, खंडाला घाट वो है, और उसके बियॉन्ड फिर है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो घाट से पास हो गए, उसके बाद कोस्टल प्लेन्स में आएंगे, और जब कोस्टल प्लेन्स में आएंगे तो वहां ट्रीज कैसे हो गए, ब्रॉड लीव्स वाले ट्रीज हो गए, टीक ट्रीज, तो डेसिडियस ट्रीज आते हैं यहाँ पे, डेसिडियस ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स, तो उनके जो पत्ते होते हैं वो जो ऑटम सीजन फॉल सीजन होता है तब गिर जाते हैं, तो उनको डेसिडियस ट्रीज कहते हैं। यहाँ पे इवन यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में वन राइज है, देव राइज है, वन मतलब फॉरेस्ट, देव मतलब सेक्रेट, जैसे देव देवों के रिलेटेड, गॉड के रिलेटेड, तो सेक्रेट ग्रव्स भी इनको बोलते हैं, वुडलैंड सेक्रेट ग्रव्स, तो यहाँ पे ऐसे फॉरेस्ट वन राय देव राय पाए जाते हैं। यहाँ पे फिर गर्म भी ज्यादा होने लगता है, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कोस्टल प्लेन है तो दरिया के किनारे के नजदीक है, तो यहाँ पे हवा में मॉइस्चर ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, पसीना ज्यादा होता है, वो मेंशन्ड है। और फाइनली वो अरेबियन सी की तरफ आए, बीच पे भी आए, तो बीच का भी लिखा गया है, वहाँ पे उन्होंने अलीबाग की तरफ गए हैं वो, तो कोलाबा या अलीबाग फोर्ट जो है वहाँ पे भी वो पहुंचे, वो भी देखा उन्होंने। और ये कौन सा फोर्ट है, वाटर बॉडी में फोर्ट है, पहले उन्होंने जो देखा नलदुर्ग फोर्ट वो लैंड पे था, सिंहगढ़ फोर्ट जो है वो हिल पे था, और अभी अलीबाग फोर्ट वाटर में है, और वाटर के रिलेटेड जो लैंड फीचर्स होते हैं वो भी उनके बारे में भी लिखा गया है। तो लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय सी वेव्स, तो सी केव्स, वेव कट, प्लेटफॉर्म्स, सैंड बार्स, तो ये प्रीवियस लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने स्टडी किया है, तो उसके बारे में भी मेंशन्ड है, तो इसका भी एक डायग्राम हम देख लेंगे। सो सी वेव के इरोजन से जो फीचर्स बनते हैं, जैसे सी क्लिफ बना है यहाँ पे, सी केव खड्डा हो जाता, तो सी केव या सी आर्च जैसे बन गया, एक नो गेट जैसे बन गया, तो ये सारे जो है ये इरोजनल कोस्ट लाइन पे दिखेगा। और डिपोजिशनल एक्टिविटी से भी काफी सारे फीचर्स बनते हैं, जैसे कि जो यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है सिल्ट वगैरह, तो उससे ये बैरियर आइलैंड जैसे बन गया, तो वो सारा यहाँ पे जो है वो मेंशनड है। तो वही हमारे टेक्स्ट में मेंशनड है कि उन्होंने लैंड फॉर्म्स फॉर्म बाय सी, जब टीचर ने पूछा तो उन्होंने बताना शुरू किया सी केव्स, वेव कट प्लेटफॉर्म, सैंड बार्स एक्सेट्रा, तो दो ये आगे पहले के दो इरोजनल है और सैंड बार्स डिपोजिशनल है। वही है सी फोर्ट के और भी नाम, अलीबाग फोर्ट या कोलाबा फोर्ट के अलावा सिंधु दुर्ग, जंजीरा फोर्ट का भी मेंशन किया है नाम, जो सी फोर्ट्स है। पर वही लिखा गया टेक्स्ट में कि यही चैप्टर से ऐसे ही सवाल यही फील्ड विजिट के नहीं आएंगे, तो इन जनरल हमको तैयारी करनी है, पर एटलीस्ट ये फील्ड विजिट में क्या मेंशन है हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। हालांकि पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप फ्री टाइम में एक बार पढ़ सकते हैं, पर एक की पॉइंट जो है हमने अंडरलाइन किया है, मार्क किया है। फिर उसके बाद टीचर ने उनको ये भी पूछा कि ऑक्यूपेशन क्या होगा, तो ऑक्यूपेशन जो है मेनली यहाँ पे लोग फिशिंग एग्रीकल्चर वगैरह करते, तो ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सेकेंडरी, और सर्विस प्रोवाइडिंग इज टर्शरी ऑक्यूपेशन, तो वो मेंशन है। तो यही है एक्चुअली हमको तैयारी करनी है, वो ये पांच ऑब्जेक्ट पांच आंसर्स की है, जिसमें से एक हमने देखा व्हाट आइटम्स विल यू कैरी, और इसके अलावा हाउ विल यू मैनेज लिटर ड्यूरिंग द फील्ड विजिट, ये मार्च 2019 में ऑलरेडी पूछ चुके हैं, तो वही है। तो इजी सवाल है, एक्सरसाइज का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, बट इस वीडियो में फिलहाल के लिए हमने चैप्टर समझ लिया है। थैंक यू। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स।